हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीताज रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी के केक की रेसिपी। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो आइए देखते हैं कि सूजी का केक कैसे बनाएं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके साथ ऐसी और आसान और क्विक रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो आइए देखते हैं सूजी के केक के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सूजी का केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप सूजी, आधा कप मैदा, 3/4 कप पिसी हुई चीनी, आधा कप दही, आधा कप वेजिटेबल ऑयल, 3/4 कप दूध, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। तो आइए शुरू करते हैं अपना केक बनाना। सबसे पहले हम एक बोल में दही लेंगे और उसको हम अच्छे से फेंटेंगे। फिर उसमें हम अपना पिसा हुआ चीनी मिलाएंगे और ऑयल। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये मैंने सारा अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें अपना सूजी मिलाऊंगी। और मैदा अब मैं इसको भी इसमें अच्छे से मिलाऊंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसको धीरे धीरे मिलाना है और एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं इसमें आधा दूध मिलाऊंगी। मैंने दूध इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं हमें। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ दूध मिलाएंगे। इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें थोड़ा सा हम अपना टूटी फूटी भी मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा मैंने बचाया है ऊपर, जब हम बेक करेंगे तो ऊपर से गार्निश करेंगे। ये देखिए, मैंने टूटी फूटी भी मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पोर करेंगे उस बर्तन में जिसमें हमें केक बनाना है। उससे मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें अपना मिक्सर डालूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी इसे गार्निश कर लिया है। अब मैं इसको अपने कुकर में रखूंगी, जिसे मैंने पहले से ही 5 से 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। ये देखिए, कुकर गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपना बर्तन प्लेस करूंगी। अब मैं इसको बंद करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट पकाऊंगी। और ध्यान रखिएगा कि ढक्कन से सीटी निकाल दें। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा केक रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक रेडी है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट इसमें ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे। हमारा सूजी का केक रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आप अपने व्यूज मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकें। थैंक यू।